हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यू पी पी सी एस विद चौहान। तो गैस, मेरा नाम है कीरत चौहान। गैस, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, घटनाचक्र 2021 की सीरीज चल रही है जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो गैस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि है अनुसूचियाँ। तो गैस, सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस, फिर बात करते हैं आगे। गैस, यहाँ पे है आपका सिलेबस। देखिए, आप चैप्टर नंबर 1 से हमने जो स्टार्ट किया है, आज अभी हम जो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 करेंगे, यानी कि अनुसूचियाँ करेंगे। बाकी आप सिलेबस को देख सकते हैं जो कि पूरा है, हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका चैप्टर नंबर 19, 20, ये भी देख लीजिए, बाकी ये सब हो। तो गैस, यहाँ पे अभी हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे। और गैस, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम आपको पता ही है, #UPPCSChauhan। तो गैस, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए गैस, अब क्या है, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। देखिए, अनुसूचियाँ क्या है गाइस, अगर हम बात करते हैं ना कि भारत का जो मूल संविधान था, मूल संविधान का मतलब होता है कि जब हमारा भारत का संविधान बना था तब हमारे पास कितनी अनुसूचियाँ, यानी कितने शेड्यूल्स थे, 8। अभी हमारे पास कितने हैं, 12। तो गाइस, बात करते हैं कि हम 1, 2, 3, 4 12वीं जो अनुसूची है वहाँ तक हमारे पास क्या क्या है। तो गाइस देखिए, जो पहली अनुसूची है उसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, राज्य और संघराज्य क्षेत्र के बारे में, यानी राज्य और यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम बात करेंगे। दूसरी अनुसूची में क्या होता है, जो भारतीय संघ है ना गाइस, उसके जो भी पदाधिकारी हैं उसके उनके वेतन भत्ते पेंशन के बारे में लिखा गया है। और जो तीसरी अनुसूची है, उन्हीं मतलब जो भी पदाधिकारी हैं गाइस उनकी शपथ प्रतिज्ञान के बारे में बात कही गई है। ठीक है, और फोर्थ अनुसूची में अगर हम आते हैं तो गाइस क्या है, देखिए जो राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा में हर राज्य या कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब जितने भी 28 राज्य हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज, उनके प्रतिनिधि राज्यसभा में कितने कितने होंगे इसके बारे में, मतलब उनके प्रतिनिधियों के बारे में है। ठीक है, तो गाइस 3 यूनियन टेरिटरीज कौन सी है, वो है आपकी जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है और पुडुचेरी है। ठीक है, यानी फोर्थ अनुसूची में ये कहा गया। अब गाइस फिफ्थ अनुसूची और सिक्स अनुसूची में हम बात करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक साथ मिला के बात करिए। फिफ्थ और सिक्स अनुसूची में गाइस हमने किसकी बात करी है ना, जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध है। ठीक है, पांचवी अनुसूची में भी वही है और छठी अनुसूची में भी गाइस वही है, लेकिन फर्क क्या है अभी हम बात करेंगे। तो देखिए, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। तो पांचवी अनुसूची के अधीन क्या है, जनजातीय भूमि का खनन से निजी पक्षकारों को अंतरण, फिर है अकृत, शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, और छठी अनुसूची में क्या है, एक्चुअली जो पांचवी अनुसूची है उसमें 4 राज्यों के बारे में नहीं लिखा है, और वो जो 4 राज्य छोड़े हैं ना पांचवी अनुसूची में, उसे हमने क्या करा है, छठी अनुसूची में डाल दिया है। और वो राज्य कौन कौन से हैं गाइस, जैसे कि आप इस तरह से ना भारत का मैप बनाते हैं, राइट, जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, तो गाइस यहाँ पे है आपका असम। ठीक है, असम के नीचे है यहाँ पे मेघालय, यहाँ पे है गाइस आपके पास त्रिपुरा, यहाँ पे है आपके पास मिजोरम। तो ये 4 जो राज्य है ना, वो आपके कहाँ पे हैं, आपकी छठी अनुसूची में डाल रखे हैं। तो छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। अब सातवीं अनुसूची में गाइस क्या है, देखिए सातवीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, शक्ति का विभाजन क्या मतलब है गाइस, हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसपे क्या है, कानून बनाने का अधिकार या तो संघ सरकार को होता है या राज्य सरकार को होता है या हो सकता है दोनों को ही हो। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे विषय होते हैं। तो गाइस हमारे पास ऐसी 3 सूचियाँ होती है, एक संघ सूची होती है जिसपे जो कानून बनाता है वो संघ सरकार बनाती है, और दूसरी जो होती है राज्य सूची होती है जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, तीसरी होती है समवर्ती सूची जिसपे कानून जो है आपका संघ सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। चलिए अब बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे संघ सूची लिखा है, संघ सूची में आपके पास कितने 97 विषय, लेकिन वर्तमान की गणना की दृष्टि से हमारे पास कितने हैं, 98 विषय हैं। ठीक है, जिसपे कानून कौन बनाएगा, संघ सरकार बनाएगी। अब हम बात करते हैं राज्य सूची की, तो राज्य सूची में है 66 विषय, लेकिन वर्तमान की गणना के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास कितने हैं, 59 विषय हैं। तो इस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, अब तीसरी जो होती है वो होती है हमारे पास समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में टोटल 47 विषय हैं, या वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखें तो इसमें टोटल कितने विषय हैं, 52 विषय हैं, और इस पे जो है कानून बनाने का अधिकार गाइस राज्य सरकार का भी होता है और संघ सरकार का भी होता है। चलिए हम इन जो सूचियां हैं ना उसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से विषय हैं। तो गाइस जैसे हम बात करें अगर यहाँ पे राज्य सूची की, तो राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, तो हमारे पास है पुलिस, राज्य सूची का विषय है, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता राज्य सूची का, प्रति व्यक्ति कर राज्य सूची में आता है, गैस राज्य सूची में, कृषि राज्य सूची में, रेलवे पुलिस राज्य सूची, कारागार
पंचायती राज, भूमि सुधार, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, राज्य सूची में आती है। गैस एक बार में याद नहीं होगा, चार पांच बार इसे पढ़ेंगे आपको सब याद हो जाएगा। फिर अब हम बात करते हैं आपकी संघ सूची की। तो संघ सूची में गैस आपका आपके पास है रेडियो है, टेलीविजन है, शेयर बाजार है, डाकघर है, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर, जो बड़े बड़े विषय हैं वो सारे आपके संघ सूची में आ जाते हैं। फिर गैस हम यहाँ पर बात करेंगे समवर्ती सूची, यानी समवर्ती सूची में जो कानून है ना वो राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार यानी संसद भी बना सकती है और विधानमंडल भी बना सकती है। तो इसमें देखिए कौन कौन से विषय आते हैं, आर्थिक योजनाएं आ गई, आपका आपराधिक मामले हो गए, जनसंख्या नियंत्रण और पारिवारिक नियोजन हो गया, परिवार नियोजन हो गया, फिर यहाँ पे शिक्षा है, वन है, दंड प्रक्रिया है, विवाह विच्छेद, तलाक, मतलब जो विवाह विच्छेद जो है होता है यानी कि तलाक है, गोद लेना, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, संघ सूची का विषय। ये सब बात करते हैं हम आठवीं अनुसूची की। तो आठवीं अनुसूची में हमने कुछ भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो वो कितनी टोटल भाषाएं गैस हमारे पास हैं, वो टोटल भाषाएं 22। लेकिन गैस अगर हम बात करते हैं ना, जब संविधान बना था तो हमारे पास कितनी भाषाएं थी, 14। फिर धीरे धीरे संविधान संशोधन होता है और भाषाएं जो है इसमें और ऐड कर दी जाती है। जैसे कि जो आपका 1967 में क्या होता है, 22वां संविधान संशोधन होता है और इसमें कौन सी भाषा और ऐड कर दी गई, सिंधी, यानी ये हो गई 15वीं भाषा, ठीक है। फिर दूसरा संविधान संशोधन एक 1992 में होता है गाइस, वो होता है 71वां संविधान संशोधन। इसमें क्या होती है, तीन और भाषाओं को ऐड किया जाता है, कौन सी, कोंकणी है, नेपाली है, मणिपुरी है। तो यानी कि अब हमारे पास भाषाएं कितनी हो गई गाइस, 18, ठीक है, 15, 16, 17, 18 भाषाएं हो गई। फिर क्या होता है, 2004 में फिर से एक संविधान संशोधन होता है जो कि होता है 97वां संविधान संशोधन 2003, और इसमें क्या है, चार भाषाओं को और ऐड कर दिया जाता है, यानी कि संथाली, डोगरी, मैथिली एंड बोडो। तो हमारे पास टोटल कितनी भाषाएं हो गई गई यहाँ पे, 22 भाषा जो हमारी आठवीं अनुसूची में है। यानी कि कितनी, कौन कौन सी भाषाएं बाद में ऐड होती है, तो वो होती है सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर संथाली है, डोगरी है, मैथिली एंड बोडो है, ये सारी ऐड होकर 14 से 22 भाषाएं हो गई। अब गई यहाँ पे हम बात करते हैं नौवीं अनुसूची की। तो अगर इस नौवीं अनुसूची में क्या है ना कि भूमि सुधार संबंधित जो प्रावधान थे ना वो उसको क्या है, नवी अनुसूची में डाला गया। और ये कब आती है गाइस, जो प्रथम संविधान संशोधन होता है आपका 1951 में होता है, ठीक है। तब हमने क्या करा, संविधान में नवी अनुसूची को ऐड किया। तब हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अब वर्तमान में जो है आपकी इस अनुसूची में कितने विषय हैं, मतलब कितने आर्टिकल्स हैं, तो हमारे पास इस अनुसूची में गाइस टोटल जो है 282 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे आगे। फिर यहाँ पे लिखा है 10वीं अनुसूची में क्या होता है गाइस, दल बदल जो अधिनियम होता है ना उसको रखा गया, यानी कि दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध, यानी कि सपोज दो पार्टी हैं और जो विधायक हैं या जो नेता हैं वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी पे चले जाते हैं, तो उनके लिए या उनकी निर्भरता के लिए कुछ एक अधिनियम लाया गया जिसको हम बोलते हैं दल बदल अधिनियम। मतलब इतनी आसानी से क्या है, आप एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए और क्या है, आपकी जो सदस्यता है उसको क्या ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। यानी आपको अपने पार्टी के प्रति ही होना चाहिए समर्पित। यहाँ लिखा है कि 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में, तब ये अधिनियम हमारा आता है। 11वीं अनुसूची में गाइस हम किससे रिलेटेड बात करते हैं, पंचायतों से रिलेटेड बात करते हैं, यानी पंचायतों के अधिकार। तो गाइस यहाँ पे पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार, दायित्व आदि के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब 73वां संविधान संशोधन होता है, कब, 1992 में होता है, तब ये जो है हमारा ऐड कर दिया जाता है पंचायतों को। गाइस गांधी जी भी यही चाहते थे कि जो है आपका शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, यानी कि नीचे के स्तर तक जो है शक्तियाँ पहुँचे, यानी कि लोक शासन जो है नीचे तक करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा संविधान संशोधन कब होता है, कौन सा वाला होता है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, ठीक है, राइट। और पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए हैं, 29। गाइस यहाँ पे अब 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो यहाँ वही चीज़ है जैसे पंचायतों के लिए वैसे नगर पालिका के लिए है, और ये आपका 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में होता है, और यहाँ नगर पालिका को कितने विषय दिए गए हैं, 18। तो वैसे एक बार हम क्या करते हैं ना, फिर से हम 1, 2, 3, 4 सारी अनुसूचियाँ एक बार यहीं देख लेते हैं। तो जो पहली अनुसूची होती है ना गाइस, वो केंद्र और राज्यों के लिए होती है, सॉरी राज्य और यूनियन टेरिटरीज के लिए होती है, यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए होती है। दूसरी अनुसूची में जो संघ के आपके पदाधिकारी हैं उनकी सेवा शर्तें, भत्ते, ये सब पेंशन सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और जो थर्ड अनुसूची में उन्हीं पदाधिकारियों के शपथ के बारे में बात करी है। फोर्थ अनुसूची में हमने कहा इस राज्यसभा के बारे में बात करी है कि राज्यसभा में राज्य और यूनियन टेरिटरीज यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी, आपका एक और था जम्मू कश्मीर, इसके जो आपके सदस्य हैं यानी कि प्रतिनिधि हैं राज्यसभा में किस तरह से होंगे उसके बारे में बात करेंगे। पांचवी छठी अनुसूची को हम एक साथ लेंगे, यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। छठी अनुसूची में भी जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात की गई है, बस यहाँ पे चार राज्यों की बात करी है, असम,
फिर उसके नीचे आता है मेघालय, के साइड में आता है त्रिपुरा, के साइड में आता है आपका मिजोरम, तो इनके बारे में बात करिए। तो वे सातवीं अनुसूची में क्या आता है, आपके जो विषय है उसको बांट दिया गया है, और संघ और राज्य के बीच में तीन अनुसूचियाँ आती हैं, संघ सूची आती है, सॉरी तीन सूचियाँ आती हैं, संघ सूची होती है, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है। आठवीं अनुसूची में गैस हमने भाषा के बारे में बात करी है कि 22 भाषाएँ हैं आपके संविधान में जिनको मान्यता दी गई है। नवी अनुसूची में गैस किसके बारे में, भूमि सुधार के बारे में बात करी गई है। और दसवीं अनुसूची में हमने बात करी है दल बदल परिवर्तन कानून के बारे में बात करी गई है। 11वीं और 12वीं अनुसूची एक है आपकी पंचायतों के लिए, एक है आपकी नगर पालिका के लिए। तो आई होप आप लोग को याद हो गया होगा गाइस, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, करते करते याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो गाइस कितनी अनुसूचियाँ हैं हमारे पास, 12। मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी, ठीक है। फिर संविधान संशोधन होते हैं 9, 10, 11, 12 बाद में ऐड हो जाते हैं। भारतीय संविधान में इसने कहा कितनी अनुसूची है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, 12 अनुसूची है। फिर इसमें लिखा है भारत के संविधान में कितने भाग है, गैस 20 भाग है, नहीं 22 भाग है। और यहाँ पे इसने कहा इतने अनुच्छेद हैं, नहीं गैस इतने नहीं, 465 अनुच्छेद हैं। और फिर इसने कहा कि 9वीं 10वीं 11वीं जो अनुसूची है वो संविधान संशोधन के बाद आ जाती है, बिल्कुल सही है गैस, एक ही सही है, यानी कि थर्ड सही है, बाकी गलत है आपके, यानी कि इसका आंसर है सी, ठीक है। हमारे जो भाग थे कितने थे, 22 भाग थे, लेकिन अगर हम उपभागों की भी बात कर देना गैस, जैसे आपका पास 4 है तो 4th ए आ गया, ठीक है, तो ये एक ऐड हो गया। जैसे 9 है तो 9A 9B आ गया, तो ये 2 ऐड हो गए, ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे पास वैसे तो 22 है, लेकिन उपभाग की भी बात कर दें तो हमारे पास कितने हैं, 25 है। बाकी जो हमारा संविधान संशोधन होता है उससे 8 अनुसूचियां थी पहले, जो कि हो जाती हैं 12। तो संविधान संशोधन कौन सा, पहला आपका एक पहले होता है, फिर 52 में आपका एक होता है, एक 51 में होता है पहला संविधान संशोधन, फिर 52 में होता है, फिर 73, 74 में होता है, और हमारे पास क्या है 9, 10, 11 और 12, 12वीं अनुसूची तक जुड़ जाती है, ठीक है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नाम की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों के का ब्यौरा देती है, मतलब इसने कहा कि राज्य और क्या है संघ राज्य क्षेत्र, सॉरी राज्य के नाम की सूची है और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो गाइस वो कौन सी है, पहली अनुसूची में ही हमने देखा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे और भी हैं, बाकी की भी हम देख लेते हैं। तो पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उनके के राज्य क्षेत्र के विस्तार का ब्यौरा देती है। दूसरी अनुसूची में हमने देखा था कि जो पदाधिकारी थे उनके वेतन के बारे में, पेंशन के बारे में, भत्ते के बारे में। थर्ड अनुसूची में उनकी शपथ के बारे में था। फोर्थ अनुसूची में राज्यसभा में जो है स्थानों का आवंटन था राज्यों के, और यूनियन टेरेटरीज, तीन यूनियन टेरेटरीज थी गई, एक थी दिल्ली पुडुचेरी एंड आपकी जम्मू एंड कश्मीर। फिर यहाँ पर लिखा है कि भारत के संघ, भारत यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो गाइस हमारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आपका अनुसूची वन में आता है, यानी कि पहली अनुसूची में चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में क्या आता है गाइस, आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसकी, जितने भी स्टेट्स हैं उसके, और तीन यूनियन टेरिटरीज की, दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय जो संविधान है उसकी तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंध है। तीसरी अनुसूची में गाइस क्या आता है आपका, शपथ आती है सबकी, जितने भी पदाधिकारी हैं सबकी शपथ आती है। अब गाइस बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ आती है, जैसे कि आपके संघ के मंत्री हैं उनकी शपथ आ गई, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आ गई। गाइस भारत के राष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं आती है, संसद के जो सदस्य हैं यानी MPs हैं उनकी शपथ आती है। देखते हैं हम किस किस की शपथ आती है, तो गाइस यहाँ पर देखते हैं कौन, तो इसमें कौन कौन है तीसरी अनुसूची में, तो संघ के मंत्री इसमें आते हैं, संघ के निर्वाचन के जो है अभ्यर्थी आते हैं, जो आपके संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी आते हैं, संसद सदस्य आ जाते हैं यानी कि MPs आ जाते हैं इसमें। फिर लिखा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इसमें आ जाते हैं, राज्य के मंत्री आ जाते हैं, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी आ जाते हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य यानी कि MLA आ जाते हैं, उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश आ जाते हैं। तो गैस अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आर्टिकल 60 से राष्ट्रपति की शपथ की बात होती है। तो गैस यहाँ पे 4, 6, 8 और 9 अनुसूची किसके लिए है, तो जो 4th अनुसूची थी गैस हमने राज्यसभा के लिए देखी थी, यहाँ पे जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके से रिलेटेड थी, उनके जो प्रतिनिधि थे उनके बारे में था। 5th और 6th अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के बारे में थी, तो गैस यहाँ पे भी क्या है जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है। और 8वीं अनुसूची आपकी भाषाओं के बारे में थी, जो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है उसके बारे में। 9वीं अनुसूची गैस आपका भूमि सुधार के बारे में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे 7वीं अनुसूची गाइस हमने देखा कि जो विषय थे उसको तीन भागों में बांट दिया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे कहीं ऐसा लिखा है क्या, हाँ विधायी शक्तियों का
वितरण। फिर आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दिया गया था गाइस। नवीं अनुसूची में हमारे पास भूमि सुधार थे, ठीक है अभी देखते हैं। दसवीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरताएं दी गई। तो नवीं अनुसूची ये रही गाइस, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे सातवीं अनुसूची क्या कहती है गाइस, हमने जो संख्य जो सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट्स यानी कि विषय थे तीन अनुसूचियों में बांटे थे, तो संघ राज्य और समवर्ती सूची में बांटे थे। आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात है और नवीं अनुसूची में भूमि सुधार से रिलेटेड है या कुछ अधिनियमों के विधि मान्यकरण अभी हमने देखा, या जो दसवीं अनुसूची है वो दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरताओं की बात कही गई, दल बदल अधिनियम के बारे में बात कही गई। अब इसमें लिखा है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो संविधान में नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था गाइस। नौवीं अनुसूची जो है सबसे पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, तब जोड़ा गया था राइट। तब हमारे जो सबसे पहला संविधान संशोधन किसके टाइम में हो सकता है, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके टाइम में ही हुआ था। चलिए गाइस यहाँ पे देखते हैं इसकी व्याख्या क्या लिखी है। IAS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसमें लिखा है कि कौन थे जवाहरलाल नेहरू, उस वक्त क्या थे आपके प्रधानमंत्री थे। नवी अनुसूची को क्या है ऐड किया गया है, प्रथम संविधान संशोधन था ये 1951 में था, ठीक है। अब इसमें लिखा है इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले जो अधिनियम है या विनियम है उसके विधि मान्यकरण या उन्हें न्याय उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध किया गया है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तत्कालीन समय में जो जमींदार होते थे, जमींदार उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना, और उस उद्देश्य से क्या है राज्य की भूमि सुधार कानूनों को सर्वाधिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या है नवी अनुसूची को शामिल किया गया था। एक्चुअली क्या था गाइस, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था ना, तो जो भूमि की अगर हम बात करें तो वो कुछ ही लोगों के हाथों में थी। अब भारत आज़ाद हुआ है, अब भारत हमारा क्या है विकासशील है, गरीबी अच्छी खासी है, अड़ोसी पड़ोसी हमारे दुश्मन है गाइस। तो यहाँ पर सरकार को ये कुछ ऐसा निर्णय लेना पड़ा, या हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, तो सरकार को कुछ इस तरह से अवसंरचना की कमी थी, तो गाइस सरकार को भूमि की ज़रूरत थी। अब ये भूमि कहाँ से लेगी, इन सामंतों से लेगी। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक अनुसूची बनाई, यानी कि एक संविधान संशोधन किया, फर्स्ट संविधान संशोधन किया, जिसमें इन्होंने क्या किया कि आर्टिकल जो एक अनुसूची संविधान में डाली जो थी 9th अनुसूची, इन्होंने कहा जो भी आर्टिकल मतलब जो भी हम कानून बना के इस अनुसूची में डाल देते हैं उसकी जो है न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। यानी कि सपोज कि आपकी ज़मीन है और सरकार ले लेती है किसी तरह से भी, तो आप जो है न्यायालय में उसके खिलाफ जाके बात नहीं कर सकते, मतलब सरकार के खिलाफ जाके बात नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार को है ज़रूरत, वो चाहे तो ले सकती है। और उस समय क्या था, सामंतों के पास ही जमीन थी, अब जमीन कहाँ से आए, अब लेनी तो उन्हीं से पड़ेगी चाहे जैसे भी ले। तो यहाँ पे क्या है संविधान में संशोधन कर दिया गया और ये चेंजेस ला दिए गए कि जो है अगर 100 बीघा सपोज 100 बीघा एक बंदे के पास है, एक के पास कुछ नहीं है, तो उससे उठाया और इसको दे दिया, या फिर हमें अब क्या मूलभूत जो आपकी अवसंरचना है उसके लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत है तो आपको लेना पड़ेगा, यानी कि सरकार को लेना ही पड़ेगा। तो नवी अनुसूची उसके लिए आती है, ठीक है, और न्यायिक समीक्षा से इसे दूर रखा जाता है। लिखा है राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु जो है सम्मिलित किया गया था किस नवी अनुसूची में, ठीक है, भूमि सुधार आपका नवी अनुसूची। लिखा है भारत के संविधान भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नवी अनुसूची में डाल सकती है। इन्होंने कहा कि भैया भारत की जो संसद है किसी भी कानून को नवी अनुसूची में डाल सकती है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये डाल सकती है। अब इसने कहा है कि नवी अनुसूची में डाले गए किसी कानून को की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और इसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। मतलब देखिए जब संविधान बना था तो ये बिल्कुल सही था कि न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में क्या होता है गाइस, ये तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या है कहानी में थोड़ा सा चेंजेस है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, देखिए पहला तो सही है दूसरा गलत है। अगर हम बात करें जब संविधान बना था तो ऐसा ही था, बिल्कुल न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन एक केस आता है, तो गाइस एक केस कौन सा आता है, ये रहा आपका, ठीक है, बाकी चीज़ें वही सब हैं, इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक केस आता है जो है IR कोयलो बनाम तमिलनाडु मामला, ठीक है, कब आता है 2007 में आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें निर्णय देते हुए जो है संसद को नवी अनुसूची की विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति जो है प्रदान की गई किसको, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर थी। मतलब पहले जब स्टार्टिंग में क्या होता है कि न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी उसमें जो भी कानून है उसका, यानी कि अगर क्या है कि कोई ऐसा कानून बन जाता था जिससे कि नागरिकों के या संविधान का उल्लंघन होता था तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो ही नहीं सकती थी। अब कानून बन गया तो बन गया, ठीक है, उसे हमने नवी अनुसूची में डाल दिया, उसे तो न्यायालय छू ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन जब ये केस आ जाता है उसके बाद क्या होता है कि न्यायालय क्या कहती है, न्यायालय कहती है कि यार 24 अप्रैल 1973 जब केशवानंद भारती केस होता है, ठीक है, उसके बाद जो नवी अनुसूची में जितने
जने भी कानून को डाला गया है उसकी न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकती है। मतलब इन्हें कहा कि न्यायालय ने कहा भैया हम तो न्यायिक समीक्षा करेंगे और देखेंगे कहीं ये अनुच्छेद 21, 14 और 19 का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, यानी किसी के अधिकारों को छीन तो नहीं रही है। गाइस 21, 14 और 19 के आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि नागरिक अधिकार हैं। मतलब आपका जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि क्या बोलते हैं, मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार है, राइट, तो इसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो न्यायालय ने कहा भैया 1973 के बाद वाले जितने भी विषय नवी अनुसूची में डाले गए हम तो इसकी न्यायिक समीक्षा करेंगे, ठीक है, तो यही लिखा है बस। तो इसलिए जो है सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया, मतलब अब न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब लिखा है कोहेलो केश, केस भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, तो अनुच्छेद अनुसूची से जुड़ा है, तो कैसी नवी अनुसूची से जुड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है संघ सूची में कितने विषय हैं गाइस, और इसने कहा कि जो राज्य सूची है उसमें कितने विषय हैं, और इसमें कहा संवर्ती सूची उसमें कितने विषय हैं, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, तो जो आपकी संघ सूची है उसमें 79 है, ठीक है, सॉरी 97 है, लेकिन अगर वर्तमान गणना के अनुसार देखें तो 98 है। फिर लिखा है जो राज्य सूची है 66, लेकिन वर्तमान गणना अनुसार देखें अगर तो 59 है। संवर्ती सूची की बात करें तो 57 है, और अगर वैसे देखें तो 52 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, तो इस आर्थिक योजना किसका विषय है, यानी कि आपका संघ सूची का है, राज्य सूची का है, संवर्ती सूची का है, तो गाइस हमने पढ़ा था ये किसका विषय है, आपका संवर्ती सूची का है। तो इसमें लिखा है कि जो संवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा है कि आर्थिक और सामाजिक योजनाओं का उल्लेख करती है, ध्यात है कि इस उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था, ये संवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। आर्थिक नियोजन, फिर वही सेम क्वेश्चन है गाइस, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में डाला गया, तो गाइस ये किस सूची में है, ये आपका है संवर्ती सूची में। मतलब इस पे जो कानून है ना वो राज्य सरकार भी बना सकती है और संघ सरकार भी बना सकती है, ठीक है। ये तो मत पढ़िएगा गाइस, ये प्रविष्टि 17-17 ये याद वैसे भी नहीं होगी, ठीक है, होती भी बहुत सारी। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है, तो पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है गाइस, आपका रेडियो एंड टेलीविजन जो है संघ सूची का विषय है, यानी कि इस पे कानून जो है संघ सरकार बना सकती है। फिर आपराधिक विदेशी मामले भी आपका किसका है, संघ सूची का है, और यहाँ पे जो आपराधिक मामले है जो बचा हुआ है वो आपका गाइस किसका है, ये आपका है संवर्ती सूची का विषय। तो दोस्तों चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो ये सारा हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन सी मत जो है भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है, यानी जिसपे कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, तो गाइस ये आपका क्या है, ये लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है आपका राज्य सूची का है, प्रति व्यक्ति कर भी राज्य से निखात निधि जो है वो भी आपका राज्य सूची का विषय है, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये आपके किसका है, संघ सूची का विषय है। चलिए ये वही चीज़ लिखी है व्याख्या में, इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ गाइस, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि आपको बताना है कौन सा गलत है, देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है आपका राज्य सूची का विषय है, ठीक है, जनगणना जो है अब गाइस आपका संघ सूची का विषय है, और आपका राज्यसभा के सीटों का बंटवारा ये आपका देखिए द्वितीय अनुसूची लिखा है, जबकि अभी हमने लिखा था ना अनुसूची 4 में लिखा था राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश है आपका, कौन कौन से हैं वो आपका है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, तो ये आपका गलत है गाइस, क्योंकि ये सेकेंड अनुसूची ना होकर कौन सी है 4th, और 10वीं अनुसूची में क्या है दल बदल विरोधी कानून है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है, तो गाइस अगर हम बात करते हैं कि कृषि जो है आपका राज्य सूची का है, पुलिस आपका राज्य सूची का है, रक्षा आपका संघ सूची का, और जो शिक्षा है वो आपका संवर्ती सूची का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो गाइस इसमें हमारे पास हाँ देखिए पहले क्या होता है ना, इसमें बस जानने वाली बात इतनी है कि जो शिक्षा है वो पहले आपका किसका था, राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब क्या होता है जब 42nd बार संविधान संशोधन होता है 1976 में, तब क्या होता है कि जो शिक्षा को क्या कर दिया गया, संवर्ती सूची में डाल दिया गया, राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाल दिया गया, बस आपको इतना याद रखना है। इस पूरे में पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इसमें लिखा है शिक्षा जो प्रारंभ में क्या है राज्य सूची का विषय था उसको संवर्ती सूची में डाल दिया गया, कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो गाइस अभी हमने पढ़ा 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारतीय संविधान के किस संशोधन में जो है वनों को राज्य सूची से क्या करा, संवर्ती सूची में डाल दिया गया,
तो गाइस यही आपका वही संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या किया गया, वन वन जो थे पहले राज्य सूची का विषय थे उसको संवर्ती सूची में डाल दिया गया। इससे ज़्यादा इसकी व्याख्या में भी आपको कुछ नहीं पढ़ना, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें वही चीज़ें लिखी हैं। अब इसमें लिखा है वन आपका किस सूची का विषय, अभी हमने देखा संवर्ती सूची में चला गया। शेयर बाजार आपका संघ सूची का विषय है ना कि संवर्ती सूची का है। डाकघर बचत बैंक आपका संघ सूची का विषय है या संघीय संघ, एक ही बात है गाइस, तो संघ सूची का विषय। और जन स्वास्थ्य आपका राज्य सूची का विषय है, कि आपके ये वाला बस गलत है, ये आपका संघ सूची का विषय है। गाइस आप जो सूचियां हैं ना उसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यानी कि संघ सूची में क्या है, राज्य सूची में और संवर्ती सूची में क्या क्या है। चलिए इसके इसमें कुछ ऐसा जानने की जरूरत नहीं है, वही चीजें लिखी हैं जो ऊपर लिखा है वही यहां लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है केंद्र सूची। तो गाइस यहाँ पे अगर ऐसे बात करें तो जनगणना जो है हमारे किसकी, केंद्र सूची का विषय है, ठीक है। यानी कि जनगणना केंद्र का काम है करना या उस पर कानून बनाने का काम क्या है, केंद्र का है। और पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है आपका राज्य सूची का विषय है। और आपका जो है आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अभी हमने देखा था संवर्ती सूची का विषय, यानी इस पर जो कानून है संघ सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी। अवशिष्ट विषय वो होते हैं जो किसी भी सूची में नहीं होते, जो बाद में आ जाते हैं कहीं से, और ये किसके पास होते हैं, केंद्र के पास रहते हैं। तो ये गाइस जैसे अवशिष्ट विषय में क्या आ गया, अंतरिक्ष अनुसंधान, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसमें लिखा है कि इस ये जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रकाश डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो गाइस यहां पे लिखा है राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय हो गया, पांचवी अनुसूची हो गया, छठी अनुसूची हो गया, सातवीं अनुसूची हो गया। तो गाइस ये सभी जो है शिक्षा से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं से। तो गाइस ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 45 और ग्रामीण एवं शहरी निकायों के निकायों को जो है आर्टिकल 3, मतलब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। इसने कहा आर्टिकल 45 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व बच्चों के शैक्षणिकपूर्ण देखभाल और 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। फिर पंचायतों को देखा जाए तो गाइस 243(6) में और नगर पालिका को देखा जाए तो आपका 243(ब) में क्या है के अंतर्गत शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व का आवंटन किया गया है, जिसमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी जो है उत्तरदायी शामिल है। अब है छठी और सातवीं अनुसूची जो है गाइस, उसमें छठी और सातवीं अनुसूची, देखिए छठी अनुसूची में क्या है, जनजातीय क्षेत्र हैं वो 4 राज्य असम मेघालय और त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो इसमें भी है। और सातवीं अनुसूची में तो गाइस है ही 3 अनुसूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो इसमें भी शिक्षा से रिलेटेड जो है तारे के सारे हिसाब किताब है। फिर लिखा है पंचम अनुसूची भी आपके जनजातीय क्षेत्रों का है, तो गैस इसमें भी आपका शिक्षा से जो है अप्रत्यक्ष ही सही लेकिन शिक्षा के बारे में लिखा है जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के बारे में लिखा गया, तो वो है आपकी 10वीं अनुसूची, ठीक है। और ये कब होता है, जब 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में, तब होता है। यहाँ पे एक और बार संशोधन होता है 91वां संशोधन जो 2003 में होता है, इसमें संशोधन होता है। इस संशोधन का उद्देश्य क्या होता है, दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्य में जो मंत्रिपरिषद है ना गाइस, मंत्रिपरिषद के आकार को भी निर्धारित करना होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता था ना कि मंत्रिपरिषद का आकार इसलिए निर्धारित कर दिया गया, यानी इसने कह दिया कि भैया कि जितने भी आपके पास जो सपोज कि इन्हें कह दिया कि संसद में जितने भी सदस्य हैं उसके 15% ही मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट मंत्रिपरिषद में जा सकते हैं, यानी मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे ये क्या रहेगा, लोगों के मन में लालच नहीं रहेगा कि वो अपना दल छोड़ के दूसरे दल में आए कि उन्हें मंत्री बना दिया जाए। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत कहानियाँ पहले चलती थी, ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है कि उसे फिक्स कर दिया गया। इसमें लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है, तो 10वीं अनुसूची है गाइस, रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन भी वही 10वीं अनुसूची से रिलेटेड है, यानी कि रिपीट हो रहा है। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन भी आपका जो है 10वीं अनुसूची से रिलेटेड है, यानी कि रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये 7वीं अनुसूची से रिलेटेड है, और इसमें लिखा है कि संघ सूची में कौन सा नहीं है। तो गाइस देखिए बैंकिंग आपका संघ सूची में है, जनगणना संघ सूची में आता है, बीमा संघ सूची में था, लेकिन गैस की अगर बात करें तो गाइस ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। चलिए इसमें और कुछ नहीं है, ये सारे संघ सूची के। तो गैस और गैस संकर प्राकृतिक गैस के विक्रय पर
राज्य सूची का विषय है, लेकिन अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क, तो गैस ये आपका जो है संघ सूची का विषय है। वैसे तो गैस जो है आप राज्य सूची में लिखिएगा। अब इसमें लिखा है कि संघ सूची से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा जो है संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो गैस देखिए, आपका रक्षा संघ सूची से संबंधित है, विदेशिक मामले आपका संघ सूची से, रेलवे आपका संघ सूची से, लेकिन जो कृषि है ना गैस, ये राज्य सूची से रिलेटेड है। गैस ये देखिए मुझे इसलिए याद है बिकॉज मैंने उसको कम से कम इतनी बार पढ़ लिया है कि मुझको याद हो गया है कि कौन सा राज्य सूची में, कौन सा संघ और कौन सा समवर्ती सूची में। जब आप उसको जो तीन चार बार इनकी व्याख्या को छोड़ के ना आप बार बार ऐसे क्वेश्चंस पे वहीं पे जाएं, नोट्स पे जो हम पढ़ के आए उस पे जाइए, तो वो ज़्यादा आपके लिए मतलब ज़्यादा फायदा आपको उसी से होगा। बार बार आप उसी को देखिए कि कौन सा संघ में है, कौन सा राज्य में, कौन सा समवर्ती सूची में। लेकिन भारतीय संविधान की जो सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो गाइस राज्य सूची देखिए, वन हमारा किस में आ गया था? समवर्ती सूची में आ गया था। शिक्षा हमारा समवर्ती सूची में आ गया था। और विद्युत गाइस हमारा जो राज्य सूची में है वो है रेलवे पुलिस, राइट। चलिए बाकी आपके किस में थे? समवर्ती सूची में। आइए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में? तो रेलवे पुलिस अभी हमने देखा किस में है आपका, नहीं इसमें हमें बताना है, हाँ राज्य सूची। तो रेलवे पुलिस आपका राज्य सूची में है। बाकी इसने कहा कि जनगणना आपका संघ सूची का है, निगम कर संघ सूची का, आर्थिक और सामाजिक नियोजन जो है आपका किसका है? समवर्ती सूची का है। लेकिन पंचायती राज विषय किस में है? तो गाइस ये आपका है राज्य सूची में, मतलब इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसका है गाइस? आपका राज्य सूची का है, मतलब राज्य सरकार का है। चलिए यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की तीसरी सूची तीन यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है? तो गाइस समवर्ती सूची में कौन सा है? देखिए लोक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो राज्य सूची, पुलिस हमारा राज्य सूची का है। और दंड प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो गाइस ये है आपका समवर्ती सूची का, मतलब इस पे जो कानून है ना ये दोनों लोग बना सकते हैं, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बना सकती है, ठीक है। कारागार भी आपका क्या है? राज्य सूची का विषय। आगे बढ़ते विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये आपका किस सूची में आता है? तो गाइस ये आपका आता है समवर्ती सूची में, मतलब इस पे भी जो कानून है ना दोनों बना सकते हैं, राज्य और केंद्र सरकार बना सकते हैं। अब लिखा है जो आपका सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है, ठीक है। तो वैसे किस अनुसूची में हमारा ये सॉरी सातवीं अनुसूची का खेल है ये तारा, ठीक है। फिर लिखा है भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत, तो गाइस भूमि सुधार किस में आता है? आपका राज्य सूची में आता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसमें लिखा है भूमि सुधार जो है राज्य सूची का विषय है और राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हुए नवी अनुसूची में प्रावधान किया गया है, ठीक है। लिखा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को जो है अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो गाइस ये हम देख रहे थे ना कि आपका जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड अनुसूची 5 थी और अनुसूची 6 थी, राइट। तो अनुसूची 6 में वो चार राज्य लिखे थे और बाकी के इसमें थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे असम था आपका, मेघालय था, मिजोरम और त्रिपुरा था, ठीक है। ये सारा छठी अनुसूची में। देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? तीन, पाँच, तीसरी, पाँचवीं और फिर यहाँ नौवीं और बारहवीं। तो गाइस हमें पता है कि पांचवी या छठी में से कोई होगी, तो आंसर है 5, यानी कि जो बी में लिखा था पांचवी वही है। तो इसमें लिखा है 1997 में उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के वाद में निर्णय देते हुए कहा कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार और किसी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिए जाना संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित किया मतलब होगा। फिर लिखा है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में? तो गाइस कौन सी है? पांचवी और छठी अनुसूची। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर में क्या है? पांचवी अनुसूची। बाकी छठी अनुसूची में कौन कौन से आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपके किस में आ जाते हैं? छठी अनुसूची में आ जाते हैं। लिखा है भारत के संविधान में पांचवी अनुसूची छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो कैसे क्यों किए गए हैं? देखिए यहाँ पे है आंसर, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं। हम इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब लिखा है संविधान की अनुसूची जो 6 है, 6 में कौन कौन से राज्य कौन नहीं है, मतलब देखिए कौन कौन से हैं गाइस। हमने देखा था असम था, असम के नीचे है मेघालय, मेघालय के साइड में है त्रिपुरा, त्रिपुरा के साइड में है मिजोरम, ठीक है। तो इसमें कौन नहीं है गाइस? मणिपुर नहीं है, बाकी सारे हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। लिखा है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो गाइस इन सब में क्या है? त्रिपुरा। कौन कौन सा था? असम,
मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं गाइस, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और एक, तो ये है आपका ATMM, ATMM। तो यहाँ लिखा है संविधान की 11वीं अनुसूची किसके लिए है, आपका पंचायती राज से रिलेटेड है। तो गाइस क्या होता है कि 73rd वां संविधान संशोधन आता है, कब आता है, 1992 में आता है। इसमें जो है पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं। क्या क्या लिखा है, मत्स्य उद्योग है, पेयजल है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, परिवार कल्याण है, महिला बाल विकास हो गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि, ये सारी चीज़ें आ गई। अब लिखा है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो हमें पता है 29 विषय हैं, ठीक है गाइस। एक बार हम अनुसूचियाँ दोबारा से देखते हैं। पहली अनुसूची आपका राज्य और मतलब जो स्टेट है एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए है। दूसरी और तीसरी को एक साथ लेके चलिए, यानी जो पदाधिकारी हैं उनकी, उनके वेतन के बारे में है, पेंशन मतलब पैसों से रिलेटेड है, राइट। और फिर थर्ड में उन्हीं की शपथ से रिलेटेड है, थर्ड शपथ, राइट। और फोर्थ वाली गाइस क्या कहती है कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधि हैं राज्य के और तीन केंद्र शासित प्रदेश उनके बारे में, तो हो गई चार। फिर गाइस पांचवी और छठी को एक साथ लेके चलिए, आपका किससे, जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड है। और छठी वाले में क्या है, वो चार क्षेत्र हैं, यानी कि ATMM, राइट, यानी कि आपका है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, राइट। और फिर आपकी सातवीं अनुसूची गाइस किससे है, आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, नवीं अनुसूची में भूमि सुधार है, दसवीं अनुसूची में है दल बदल, ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में एक में पंचायत है, एक में आपका नगर पालिका। तो ये हो गई गाइस सारी की सारी अनुसूची, हमने एक बार फिर से पढ़ ली। तो गाइस अगर आपको, तो दोस्तों ये सेम हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है #UPPCSVChauhan एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है। इस यहाँ पर करते हैं वीडियो को एंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।